हेलो जिज्ञासु, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड योगा विद डॉक्टर कविता। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगी कि मैं बहुत दिनों के बाद वीडियोस बना रही हूँ। मेरी पीसीओडी पीसीओएस वाली सीरीज वाली वीडियोस बीच में ही बंद हो गई, कुछ फैमिली इश्यूज आ गए थे। तो चलिए उसे कंटिन्यू करती हूँ। तो हम लोग कहाँ थे? द टाइप्स ऑफ पीसीओएस एंड पीसीओडी। नंबर टू, एड्रिनल पीसीओएस। एड्रिनल पीसीओएस होता क्या है? ये उन लड़कियों और महिलाओं को होती है जो अपने जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती है, जिनका अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ रहता है, या फिर जो अपने पार्टनर के साथ बहुत ही बेहद दुखी रहती है, जो बहुत इमोशनली हर्टेड हुई होती है, जिनका पीरियड बहुत स्ट्रेसफुल होता है। स्ट्रेस के कारण उसके शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज्यादा होता है, उसके साथ साथ उसके बॉडी में DHEA हार्मोन भी बहुत ज्यादा बढ़े रहते हैं। इस हार्मोन की वजह से फीमेल में मेल कैरेक्टर दिखाई पड़ते हैं, फीमेल के चिन पर चेस्ट पर हेयर ग्रोथ नजर आते हैं और फीमेल के हेड पर हेयर लॉस होते जाते हैं। ये DHEA होता क्या है? डीहाइड्रोएपिएंड्रोस्टेरोन एक मेल सेक्स हार्मोन है जो कि पीसीओएस और पीसीओडी में काफी बढ़ा रहता है। इसे कंफर्म करने के लिए हम पेशेंट का ब्लड टेस्ट करवाते हैं और उसकी स्थिति देखते हैं। यानी DHEAS डीहाइड्रोएपिएंड्रोस्टेरोन सल्फेट का टेस्ट करवाते हैं और देखते हैं कि इसकी स्थिति हमारे शरीर में कितनी बढ़ी हुई है। ये टेस्ट हम लोग इनफर्टिलिटी के लिए भी कराते हैं। हालांकि इस टेस्ट का एक नॉर्मल रेंज एक एडल्ट में एज और सेक्स के अनुसार वेरी करता है, फिर भी एक नॉर्मल रेंज में आपको बताती हूँ। 145 से 345 नैनोग्राम पर डीएल, ये नॉर्मल रेंज अगर एक मेल एडल्ट में बढ़ जाता है तो हम सोच सकते हैं कि लड़के में एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर्स है, उसे एड्रिनल ट्यूमर, कैंसर या फिर CAH कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया हो सकते हैं। और जब यही हार्मोन का नॉर्मल रेंज एक फीमेल में बढ़ जाता है तो हम सोचते हैं कि फीमेल इनफर्टिलिटी की या फिर एड्रिनल पीसीओएस की शिकार है। सो टू रूल आउट दिस पीसीओएस द पैरामीटर इज द मेजर थिंग, दैट इज 17OH प्रोजेस्टेरोन। If this parameter count is more than 200 and between 800, then yes, female is the patient of adrenal PCOS. And when this parameter count is more than 800, then definitely the patient is suffering from congenital adrenal hyperplasia. अब नंबर थ्री है इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस। ये इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस उस पेशेंट को होता है जिसके शरीर में क्रॉनिक कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी डाइट बहुत पुअर और अनहेल्दी होती है, जो बाहर का खाना बहुत खाती है। ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ने के कारण हाई सी रिएक्टिव प्रोटीन उसके बॉडी में नजर आने लगे। इसके लक्षण में पेशेंट को हेडेक बना रहता है, सुस्ती बनी रहती है, शरीर में कहीं ना कहीं एक्जिमा होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया कम होने लगते हैं और इन्फेक्टिव बैक्टीरिया शरीर में जगह बनाने लगते हैं। इसलिए इसके मैनेजमेंट में हम पेशेंट को सलाह देते हैं कि वो घर का सुपच हल्का तेल मसाला वाला खाना दही के साथ ले। दही के साथ लेने के कारण उसके इंटेस्टाइन में हेल्दी बैक्टीरिया का बोलबाला होगा और डाइजेस्टिव एंजाइम्स इम्प्रूव होंगे। आप एंटी इंफ्लेमेटरी सजेस्ट टर्मेरिक ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट और वेजिटेबल्स ले सकती है। और हाँ, कोई भी टाइप्स का पीसीओडी और पीसीओएस क्यों ना हो, आपको किसी न किसी एक्टिविटीज में जरूर जुड़ा रहना चाहिए, चाहे वो योगासन हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो जुम्बा हो, एरोबिक्स हो, वॉकिंग हो, रनिंग हो, व्हाटएवर द एक्सरसाइज, दैट मस्ट बी इम्पोर्टेंट। इससे आपके वेट लॉस होंगे और आपके शरीर में पीसीओएस के सिम्टम कम होते हुए नजर आएंगे। सो वेट लॉस एंड बेटर इंसुलिन सेंसिटिविटी, दीज टू आर द मेंटर्स विल मैनेज योर पीसीओएस इफेक्टिवली। नंबर फोर्थ इज पोस्ट पिल पीसीओएस। नाम से ही क्लियर है, ये पीसीओएस तब होता है जब हम एक लंबे समय तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करते हैं और अचानक से रोक देते हैं। ओवरी में प्रोजेस्टेरोन तो आता ही रहता है और अचानक से पिल्स रोक देने के कारण ओवरी में आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरोन भी आना शुरू करता है, जिसकी वजह से ओवरी में इसकी पार्टी चलती रहती है और तब एक्सेसिव प्रोजेस्टेरोन भी पीसीओएस का कारण बन जाती है। अगर आप अच्छी नींद लेती हैं, स्ट्रेस कम लेती हैं, डाइट में आप मैग्नीशियम, विटामिन ई, विटामिन B6, B12 और जिंक लेती हैं, तो आप इस तरह के पीसीओएस को इजीली हैंडल कर। तो यहीं पर इस वीडियो की समाप्ति होती है। मेरी अगली वीडियो पीसीओएस के डाइट प्लान पर होगी। पीसीओएस को कम करने के लिए हम कौन सा डाइट ले सकते हैं, क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं, इसकी पर मेरी अगली वीडियो होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।